फुल स्पीड में जा रहे हैं और सामने देख सकते हो गाइस बादल वगैरह कैसे दिख रहे हैं। तो भाई ने रिमेंबर टेप वगैरह लगा रखी है। सामने निकलूं मैं, थोड़ा मजा लूं इसे। ड्रैग रेस वाले बंदा कोई नहीं मिलना भाई। लोग थोड़ी बहुत रेस अगर कोई लगा ले ना, मजा ही आ जाए, कंटेंट ही निकल आएगा पसंद से। तो गाइस मैंने बवाल वगैरह हॉर्न लगा रखी है, इससे सारे लोग सामने से हट जाते हैं एकदम। अगर कतई जहर हम लोग ये हॉर्न वगैरह रहने वाली है, आप लोग भी लगा सकते हो गाइस। मेरी तरफ से गाइस फुल्ली रिकमेंडेड है गाइस। अगर आप लोग गली मोहल्ले में निकल रहे हो गाइस तो आतंक मचा देगी गाइस कसम से। और खुले में तो है ही, इसी वजह से मैंने ये लगाई थी। कोई आ जाए भाई लोग, ड्रैग रेस लगा ले एक बार, मुझसे कंटेंट निकल आए मेरा। एक स्कॉर्पियो और यार टेस्ट से क्या लगाऊंगा, ये तो वैसे भी 150-150 लगेगी। ये टीयूवी है, इतना मतलब हम लोग क्रूज कर रहे हैं। गाइस काफी जल्दी पहुंच गए। फोन आ रहा है, स्कूटी वाला आ रहा है, आई थिंक रेस लगाएगा ये मुझसे। रेस लगाएगा, लग जाए भाई लोग, लग जाए। चल लग गए भाई लोग, विदाउट हेलमेट है। भाई भाई देता हूँ, तीनों के तीनों है स्कूटी पे, वो भी विदाउट हेलमेट है भाई लोग। इनसे रेस लगाने का क्या फायदा, इनसे आगे निकलो फटाफट से। विदाउट हेलमेट चल रही है, लाइसेंस वगैरह में होगा नहीं मेरे हिसाब से है, ठीक है। ठीक है, यूपी में गए सारे लीगल तरीके से चलते हैं, चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं नहीं तो कटेगा इनका चालान बहुत तगड़ा वाला। जय श्री राम, जय हनुमान। रहे हैं पीछे विदाउट हेलमेट है वो भी। वाह बेटा, मुझसे रेस लगा ही नहीं पाओगे तुम, निकल जाओ निकल जाओ। ऐसे लोगों से रेस लगाने कोई फायदा नहीं है। फुल स्पीड में सो गाइस मैं मतलब अपना खोया वगैरह ले चुका हूँ गाइस, ठीक है। गुड़ वगैरह भी यहीं से ले ली थी पीछे से, इस साइड हर जगह लगी रहती है, सो गाइस पीछे से ले ली थी। सो गाइस अपना सारा काम हो गया है भाई लोग। तो गाइस काम वगैरह तो सारा हो गया है, मैंने सोचा घर पे चल रहा हूँ तो गाइस कंटेंट वगैरह मिलेगा तो व्लॉग वगैरह शूट कर लूँ आगे। सो गाइस दिन अब मानोगे नहीं, मैं यहाँ से पूरी रास्ते मतलब वहाँ से आया जाऊँ 90-90 खींचते हुए आया, और मैंने यहाँ पे आके अपनी गुड़ वगैरह ली। गाइस देख सकते हो हर जगह लगी रहती है, यहाँ पे साइडों में यहीं पे लगी थी, पीछे मैंने लिया। जय श्री राम। फटाफट से खींचते हैं, देखते हैं रिएक्शन वगैरह। गाइस अलग ही लेवल के मिलते हैं जब ना मतलब सेटअप वगैरह में चलता हूँ ना, तो अलग ही रिएक्शन वगैरह मिलते हैं। गाइस मैं अपने गांव साइड वगैरह कभी आया नहीं हूँ पहन के इस वजह से। और सामने देख सकते हो गाइस बादल वगैरह कैसे दिख रहे हैं, उम्मीद है आप लोग दिख गए होंगे। और टैंक पे भी आपको दिख रहे हैं गाइस, इतनी चमक है टैंक में, देखो गाइस आपको दिख रहे होंगे बादल वगैरह। तो गाइस आप चलते हैं और बताओ गाइस आप लोग मौज में हो कि नहीं हो गाइस। और अब गर्मी वगैरह तो गाइस अब बहुत ज़्यादा ही पड़ने लगी है, और गाइस गला वगैरह भी मेरा सूख रहा है, घर से बाहर निकलने का गाइस मन नहीं होता गाइस, इतनी गर्मी पड़ने लगी है। पीछे से एक भाई आ रहा है फुल स्पीड में, ओ भाई प्रेशन 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 के कुछ भी कहूँ अब।
ये क्या हो रहा है भाई, गन्ने ले गए डिग्गी खोल के लगी है। ओ इसको देखो कैसे कतई गलत लेवल की चला रहा है, फुल 80-90 खींच रहा है। तो गाइस सारे भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप लोग वीडियो कहीं भी अच्छी लग रही हो, गाइस कुछ भी अब एंटरटेनमेंट वगैरह हो रहे हो। बाकी गाइस मैं लॉन्ग राइड वगैरह तो पक्का करने वाला हूँ, तो गाइस आप मुझे देख सकते हो आने वाले कुछ टाइम में आपको वीडियो वगैरह मिल जाएगी। गाइस ये वीडियो वगैरह मैं शूट कर रहा हूँ, देन आप लोग ये वाली वीडियो लेट देखने के लिए मिलेगी हम लोगों के चैनल पर। बाकी आप लोग अगर पाना चाहते हो अपकमिंग अपडेट गाइस पहले से पहले, तो आप मुझे करना पड़ेगा आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आई डी पॉपअप हो रही होगी, फ्लैश हो रही होगी, तो आप लोग फॉलो कर लेना। जो कुछ आने वाली वीडियो होगी ना 3-4 दिन पहले आपको उसका अपडेट मिल जाया करेगा इंस्टाग्राम पे स्टोरी के थ्रू, तो आपको पता पड़ जाएगा आने वाली वीडियो कौन सी कुछ रहने वाली है। ठीक है, तो सारे भाई लोग मेरे कहने से एक बार इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना अपने भाई को। बाकी भाई लोग ये देखो हैशटैग वाला भाई आ रहा है, फुल खींचते गाइस। इसका मुझे मीटर वगैरह उतना पर्सनल जितना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे एनालॉग वगैरह भी लगता है। सर भाई लोगों का कमेंट करना आप लोग डिजिटल स्प्लेंडर में हैशटैग वाला अच्छा लगता है, मतलब ये वाला अच्छा लगता है एनालॉग वाला आपको। देखते हैं वो कितने सही स्पीड बता रहा है, देखते हैं। मैं भी लगभग हूँ मान के चलो 68-70 पे। ठीक है, तो भाई ने रिम में टेप वगैरह लगा रखी है। मतलब सब वगैरह उस बंदे को पूरा रिम में पे इसने टेप वगैरह लगा रखी है, सही है। मुझे भी गाइस इसकी पीपीए वगैरह चेंज करवानी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है गाइस, कुछ मनी वगैरह भी मांग लो आप तो इस वजह से, वरना इसकी पीपीए वगैरह भी चेंज करानी है, वरना अगस्त में इसको 2 साल हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, भी मुझे चेंज वगैरह करवाना है। तो भाई पीछे से आ रहा खींचता हुआ ये बेटे, सिंपल है। नहीं तो मैंने कहीं देखा है ग्रैबरेल पीछे वाला ही हटवा लेते हैं और वैसा वाला लगवा लेते सिंगल वाला, जो कि मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है। लुक के लिए आप लगवा सकते हो, बस उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा जितना आप इसे बैग, ये ओरिजिनल वाला कंपनी स्टॉक वाला यूज़ कर सकते हो, उस पर बैग वगैरह लगेज वगैरह भी कैरी कर सकते हो। जब मैं लॉन्ग राइड वगैरह करूँगा गाइस तो ये काफ़ी काम वगैरह आएगा, इस वजह से मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। चलो थोड़ा खींचते देखते हैं, मजे लेते हैं, अगर रेस वेस लगाएगा तो सही रहेगा। बाकी गाइस ये ब्लॉग वगैरह लंबा हो गया है, काफी मुझे एडिट वगैरह इसमें करना पड़ेगा। और जो बात है अगर मोटिव डालने में तो गाइस पावर परफॉर्मेंस और ये स्मूथनेस वगैरह गाइस काफी रहती है, गाइस वाइब्रेशन लिटरली नहीं आ रही है, जो कि हल्की फुल्की माइनरली तो वो तो आएगी अगर ऑब्वियसली आपकी बाइक वगैरह चलेगी तो। बाकी देखते हैं 80-80 पे हूँ लेकिन ये थोड़ा स्लो चल रहा है। चलो पीछे रहो, इतनी ज्यादा नहीं आती है। और इसको देखो फुल खींचे हुए, मतलब हेलमेट इसका क्या, मतलब क्या काम का क्या है हेलमेट इसने पीछे, मतलब माउंट वगैरह कर रखा है, बांध लिया है और लगा इसने रखा नहीं, जब इसके पास शब्द वगैरह है तो क्यों नहीं इसने लगा रखा पता नहीं। मैं तो कहता हूँ इसका चालान वगैरह कटना चाहिए, जब तुम्हारे पास सुविधा होते हुए तुम हेलमेट नहीं पहनना चाहते हो। चलो थोड़ा खींच लेते हैं, कोई डर नहीं है पीछे देखा बाइक वाले बगल से निकल गया तुरंत अंकल, मतलब इन्हें डर ही नहीं है।
आपकी आई बादल बादल दिख रही है, फुल मस्त लुक आ रहा है वो। थोड़ा बादल जैसा माहौल नहीं हो गया बार, धूप थोड़ी कम हो गई है, चलो जो थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन बारिश वगैरह ना हो वरना नुकसान वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मैं जाऊंगा, तो गाइस सबसे पहले सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ के गए अपनी बैग वगैरह वॉश कर लूँगा, उसके बाद 6 या 6:30 बजे मैं निकल जाऊँगा घर से, लगभग इतने बजे 6:30 बजे के आसपास निकल जाऊँगा, तो गाइस वहाँ पे जाऊँगा। फिर गाइस वहाँ पे गाइस थोड़ा जंगल वाला एरिया है, तो मैं सुबह सुबह ऐसा करूँगा जल्दी से जाके 9 या 10 AM तक गाइस घर पर अपने वापस आ जाऊँगा, ऐसा करूँगा, क्योंकि गाइस सुबह सुबह हम लोग धूप वगैरह भी नहीं लगेगी और हम लोग होके भी आ जाएंगे। अच्छा सब लोग मस्त सब लोग वगैरह आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि हम लोग पहली राइड लॉन्ग राइड होने वाली है गाइस ऑन द सेटअप। वैसे तो मैंने कर रखी है पर यूट्यूब जर्नी में ऑन द सेटअप पूरी कम्प्लीट मैंने नहीं की उससे पहले मैं। ठीक है, तो गाइस ये होने वाली है अपनी पहली लॉन्ग राइड, तो गाइस मैं तो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, आप लोग बताना कितने भाई लोग इंटरेस्टेड हो। हालांकि ये वीडियो तो गाइस बहुत ही बाद में आएगी चैनल पे, बहुत ही बात की लगभग 2 दिन बाद आएगी, 24 या 25 या 26 को आएगी भाई लोग ये वाली वीडियो, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा 27 को, तो आप लोग ये इन्जॉय कर रहे होंगे तब तक आप लोगों ने ये वाली वीडियो है भाई लोग देखी होगी आप लोगों ने। सो गाइस मैं अपने आ चुका हूँ घर पे, सो गाइस इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड वगैरह कर देना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना एक लाइक, तब तक के लिए मैं आप लोगों को मिलता हूँ फिर किसी न्यू वीडियो में, बाय बाय गाइस। साउंड एंजॉय करना।